नगर निगम रसाली में मंगलवार को सामान्य सभा उपरांत वार्षिक बजट पेश किया गया। इस दौरान बजट 2023-24 के प्रस्तुत होने के पूर्व सभागार में गहमा गहमी का माहौल रहा। इस हंगामेदार बजट प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी उहापोह की स्थिति निर्मित रही। हम बता दें कि नगर निगम रसाली के गठन के बाद से ही विकास जैसे मुद्दों पर वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। मंगलवार को हुई सामान्य सभा के बाद बजट प्रस्तुत किया गया। महापौर द्वारा बजट प्रस्तुत करने पर विपक्षी पार्षद काफी असंतुष्ट रहा और ऐसा नजर भी आया जब बैठक में शोर शराबा हुआ। बहरहाल बजट को लेकर सभापति ने प्रतिक्रिया दी। नहीं, हमने व्यवस्था देने की कोशिश की कि महापौर जी अपना बजट अभिभाषण पूरा पढ़ें, फिर उसमें चर्चा हो, पर कुछ सदस्य नारेबाजी करने में इतने मशगूल हो गए कि वो व्यवस्था बनाने में सहयोग ही नहीं दिए। तो हमने बहुमत के आधार पे, जब वहाँ व्यवस्था ही नहीं बनने दे रहे थे कुछ सदस्य, तो हमने, मुझे लगता है, विघ्न संतोषी तत्व के बहकावे में कुछ सदस्य आ गए हैं। कुछ विघ्न संतोषी हैं शहर में, उनके बहकावे में आ गए हैं और अपना भला बुरा समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बजट भाषण में अभी सभी पार्षदों से हर वार्डों में जाकर मैं भ्रमण की हूँ कि वार्ड की जनता की क्या समस्या है, रूबरू हुई हूँ और सभी वार्डों की समस्या को रखते परिषद पटल में रखते हुए मैं हर वार्ड के विकास के लिए जो योजना बनाई हूँ वो हर जो बजट पेश की हूँ और हर वार्डों के विकास के लिए बजट पेश की। बहुत अच्छा बजट रहा और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, माननीय गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी के बहुत हम अच्छा बजट पेश किए हैं, जनता के हित में बजट पेश किए हैं और जनता के विकास के लिए हम बजट मिलाए हैं। अब उनका काम है, उनके पास तो विपक्ष में कुछ काम हो नहीं है, इसलिए असंतोष की लोग व्यक्त किए हैं। तो चर्चा क्यों नहीं, चर्चा करने से आपको पीछे क्यों? चर्चा हम हर पार्षद से चर्चा किए हैं, हम वार्डों में भ्रमण किए हैं और जनता की जो समस्या है उनसे रूबरू हुए हैं और हम जो विकास कार्य है उसको सब कर रहे हैं। लाभ का बजट था कि हानि का? लाभ का बजट है, 120 करोड़ का लाभ का बजट है और हम हर वार्डों में विकास कार्य करेंगे। इसमें अहम कड़ी है जैसे कि पानी की जो समस्या थी हर वार्डों में, तो हम टैंकर मुक्त करना चाहते हैं वार्डों की जो समस्या पानी की, उसको टैंकर मुक्त करना चाहते हैं। और मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि अभी 1 करोड़ 50 लाख का बीटी रोड के लिए किए हैं, बहुत सारे संधारण कार्य के लिए हैं, आंगनबाड़ी के लिए भी कार्य हम लोग किए हैं। सभी विभागों से जैसे कि मूलभूत जो सुविधा है और सभी को लेते हुए हम बजट पेश किए हैं। आप और ने जो बजट पढ़ा शायद आपने भी नहीं सुना होगा, उनके पार्षदों ने भी नहीं सुना होगा, तो ये आज बैठने का रीज़न ये हो गया। भैया देखिए, आज जब बजट की बैठक हुई हमने विरोध किया कि भाई आज जो बजट पत्रिका आए का जो आप दे रहे हो विवरण वो हमें पहले दे देते, दो दिन पहले तो कोई शेयर बाजार नहीं गिर जाता उससे, तो हम पढ़कर आते उस पर चर्चा करते, व्यापक चर्चा होती, शहर के विकास के लिए बात करने आए। उसके बाद किसी MIC मेंबर ने और किसी सदस्य ने ये कहा कि विपक्ष के लोग बाहर चले जाएं, वो आदेशित करने वाले हमें कौन होते हैं। हमने इसी का विरोध किया कि वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम नहीं बैठेंगे, इसलिए हमने वहाँ धरना दिया। मगर सभापति महोदय ने और इस सरकार ने अपने बहुमत का उपयोग करके सत्ता के नशे में चूर होकर इन्होंने बजट पास कर दिया, जो इनकी हमेशा से मंशा रही है कार्य को अपने छुपाने की, क्योंकि ये हमेशा हवा महल बनाते हैं। पिछले बार इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए ही थे, इस बार इन्होंने कोई हवा महल बनाया है, जिसे मैं एक भाषा में कहूँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ तानाशाही भी देखी है रसाली की निगम की जनता। बजट पत्रिका नहीं, बजट पत्रिका उन्हें जब हमें मांगी गई तो बजट पत्रिका बस दी गई है। वो हम ये कह रहे थे कि बजट पत्रिका हमको दो दिन पहले दी जाती तो क्या नुकसान हो जाता, कोई शेयर बाजार नहीं गिर रहा होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और यही हमने कहा भी। मगर उन्होंने, किसी MIC मेंबर ने ये कहा कि इनको बाहर निकाल दो, सबको आदेशित किया हमें कि सब बाहर चले जाएं, तो ये आदेशित करने वाले उनको अधिकार किसने दिया? क्या करेंगे सर, इसमें जो है इसका क्या करें पहले बताइए। जनता हमसे सवाल पूछती है, जनता हमसे सवाल पूछती है कि हमारे में क्या हो रहा है, क्या हम तो शांति से आएंगे, आप बजट पेश के चले जाएंगे। देखिए, और ये वार्ड विशेष का बजट नहीं होता, ये पूरे निगम का बजट होता है। सचिव जी आप बताइए,